अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन. आई एम हेयर विद अनदर वीडियो लेक्चर. माई लेक्चर नंबर इज़ 47 फॉर क्लास 10, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है टू कोऑर्डिनेट अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ये जो केमिकल्स हैं, दे आर रिलीज्ड या फिर दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द स्पेशल ऑर्गन्स जिन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट, दे आर अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मुख्तलिफ लोकेशंस पर प्रेजेंट हैं. तो हम उन सब के बारे में बारी बारी बात कर रहे हैं. अभी तक हम लोग 4 डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में बात की थी. आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज पैनक्रियाज. अगर हम लोग पैनक्रियाज को देखें, दिस इज़ एन ऑर्गेन दैट हैज़ टू फंक्शन. ये वो ऑर्गेन है जिसके दो फंक्शंस हैं. जो मेजर पार्ट है पैनक्रियाज का, वो एक डक्टेड ग्लैंड है. जैसा कि मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किए थे इन केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं, दे आर डक्टलेस. डक्टलेस का मतलब क्या है कि दे डू नॉट हैव स्पेशल डक्ट, और उनके जो भी हॉर्मोन प्रोड्यूस होंगे वो उसको ब्लड के अंदर पोर करेंगे एंड थ्रू द ब्लड, बट दीज हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पेनक्रियाज है, ये इट हैज़ टू फंक्शंस. पेनक्रियाज का जो मेजर पार्ट है, पेनक्रियाज का इस ग्लैंड का जो मेजर पार्ट है, दैट इज डक्टेड ग्लैंड. डक्टेड ग्लैंड है, डक्टेड ग्लैंड के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्सोसाइन ग्लैंड है ये. यानी कि इसके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होंगे जो कि इसकी प्रोडक्शन को उसी पार्ट के अंदर जाके पोर कर देंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है. दिस पोर्शन इट सिक्रिएट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम. ये पोर्शन जो कि डक्टेड ग्लैंड का है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोसाइन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. बाकी तो हम हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पर हमने कहा है कि पैनक्रियास के टू फंक्शंस हैं. तो पहला फंक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ये डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसका जो मेजर पार्ट है पैनक्रियास का, दैट इज़ अ डक्टेड ग्लैंड, जो कि एक्सोसाइन जिसे हम लोग कहेंगे, और ये पार्ट हेल्प करता है इन रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू अ डक्ट, डक्ट के जरिए, क्योंकि ये एक डक्टेड ऑर्गेन है, तो इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होगा और वो डाइजेस्टिव एंजाइम को उस डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्टली रिलीज कर देगा. सो ये जो डक्टेड एंजाइम ग्लैंड है, इसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है कि ये पहले अपने हार्मोन को या अपने प्रोडक्ट को सिक्रीट करे, अपने केमिकल को सिक्रीट करे ब्लड में, और वो फिर ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता हुआ उस ऑर्गेन तक पहुँचेगा, वो टारगेटेड ऑर्गेन या टारगेटेड टिश्यू तक पहुँचेगा. सो रैदर दिस इज़ अ डक्टेड ऑर्गेन, दिस इज़ अ डक्टेड ग्लैंड, जिसको हम लोग एक्सोसाइन ग्लैंड भी कहते हैं. ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ द डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो डायरेक्टली वो डाइजेस्टिव एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हो उसका टारगेट एरिया है, उसके अंदर डायरेक्टली रिलीज कर दिए जाते हैं, रादर देन पोरिंग देम इनटू द ब्लड और फिर ब्लड लेके जाए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. इसके अलावा, ये तो हो गई हमारा फर्स्ट पोर्शन है, जो हम लोग कहते हैं मेजर पोर्शन है. ज़्यादातर एरिया जो है पैनक्रियास का, वो ये डक्टेड ग्लैंड है, जिसे हम लोग एक्सोसाइन कहते हैं. दूसरी तरफ, सम पोर्शन ऑफ पैनक्रियास इट इज़ डक्टलेस ऑर्गेन. कुछ पोर्शन इसका डक्टलेस भी है, जिसे हम लोग कहेंगे कि दैट इज एंडोक्राइन. एंडोक्राइन का मतलब है कि इस कुछ पोर्शन के पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है. डक्ट्स प्रेजेंट ना होने की वजह से ये ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेगा और ब्लड कैरी करेगा इसकी सिक्रीशन को और उसको लेके जाएगा टारगेटेड टिश्यू की तरफ. सो पैनक्रियास के इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि पेनक्रियास के दो फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन क्या है?
पहला रोल है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में, और दूसरा रोल है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे हार्मोनल सिस्टम में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में। जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है या डाइजेशन में जो ये हेल्प करता है, तो इसमें इसका मेजर पार्ट पैनक्रियास का इन्वॉल्व है, जो कि डक्टेड ग्लैंड है यानी एक्सोसाइन है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को विद द हेल्प ऑफ दैट डक्ट रिलीज करेगा। जबकि जो इसका कुछ पोर्शन डक्टलेस ऑर्गेन भी है, जिसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हम यहाँ पे जब बात करते हैं पेनक्रियाज की एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो हम लोग इसके इस सेकंड रोल की बात करेंगे, दैट इज़ द डक्टलेस ऑर्गेन। इट मींस इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो इसका डक्टलेस रीजन है, डक्टलेस पोर्शन है, ये यहाँ पे मुख्तलिफ हॉर्मोन्स को, मुख्तलिफ केमिकल्स को प्रोड्यूस करेगा और रिलीज़ करेगा, जो कि बॉडी के अंदर वेरियस इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करने वाले हैं। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। सो पहला जो यहाँ पे केमिकल है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो पोर्शन कंटेन ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल, ये जो सेकंड पोर्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, जिनको हम लोग आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। दिस इज द पोर्शन ऑफ द एंडोक्राइन एरिया। सो देयर आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम लोग आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। सो दीज आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस दे प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, ये दो सेट्स ऑफ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। पहला हॉर्मोन है इंसुलिन और दूसरा हॉर्मोन है ग्लूकेगन। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज बोथ हॉर्मोन्स, जो कि पेनक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिन्हें एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, इनको हम लोग कहेंगे आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये जो आईलेट ऑफ लैंगरहंस हैं, दे प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ग्लूकागन को देखें तो ये लिवर को इन्फ्लुएंस करता है कि ये ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज करे, ताकि ब्लड की जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज राइज कर सके। सो यहाँ पर ग्लूकागन का क्या काम है कि ब्लड के अंदर इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने के काम आता है। ये लिवर को इस तरह से इन्हेंस करेगा, या लिवर को इस तरह से उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि लिवर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रिलीज कर दें। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग इंसुलिन को देखें, तो इंसुलिन का रोल जो है ग्लूकागन के ऑपोजिट है। इंसुलिन क्या करता है, इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर कि ब्लड के अंदर से एक्सेस ग्लूकोज को ले ले, ताकि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम की जा सके। तो इंसुलिन का काम क्या है कि इट डिक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है इंसुलिन, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को कम करता है। जबकि ग्लूकागन वो एक ऑपोजिट रोल प्ले करता है, वो ब्लड के अंदर से इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों फंक्शन होते किस तरह से हैं कि ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, जब ये अपना काम करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं लिवर को। तो लिवर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, उसको मैसेज जिस तरह का भी मिलेगा इन हार्मोन्स के ज़रिए, वो उसी तरह से काम करेगा। जो ग्लूकेगन है वो ये मैसेज लेके जाता है कि लिवर मज़ीद ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज़ कर सके, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। जबकि अगर उसको ग्लूकागन की तरफ से मैसेज नहीं मिलता और इंसुलिन की तरफ से मैसेज मिलता है, कि इंसुलिन क्या मैसेज देगा, क्या मैसेज कन्वे करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा लिवर को कि ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ले लिया जाए, ताकि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ किया जा सके। सो यहाँ पर लिवर उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से उसको ऑर्डर मिलता है, जिस तरह से वो ऑर्डर रिसीव करेगा, मैसेज रिसीव करेगा, उसी तरह का फंक्शन ग्लूकोज प्ले करता है। तो जो अगर हम लोग अपने ब्लड की में के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन देखें, तो इट इज़ मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड।
100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज इज द नॉर्मल लेवल। और ये नॉर्मल लेवल रखने के लिए दोनों हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागन का प्रॉपरली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में से किसी एक की भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो गई तो इट लीड्स टू द एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, या तो बहुत हाई हो जाएगी या तो फिर बहुत लो हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर पर्सन का पेनक्रियाज, अगर पर्सन की बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस आए कि उसका पेनक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं करता, और ना प्रॉपर काम करने की वजह से इफ़ द पेनक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, अगर वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर सके, डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल की, तो फिर क्या होगा, जो इंसुलिन का रोल था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इंसुलिन का काम क्या था कि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। सो इफ़ इंसुलिन इज़ नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली तो क्या होगा, डिक्रीज करने के लिए लिवर को मैसेज नहीं जाएगा, लिवर काम नहीं करेगा, लिवर ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को डिक्रीज नहीं करेगा, तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या बनेगा, दैट रिजल्ट इन डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस वो सिचुएशन है कि जिसके अंदर लिवर जो है काम नहीं करता, ग्लूकोज को रिमूव नहीं करता ब्लड के अंदर से। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और पेनक्रियाज जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन को रिलीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वो लोग जिनके अंदर ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम आम अल्फाज में शुगर की बीमारी कहते हैं, द पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, उनके अंदर ग्लूकोज की लेवल प्रॉपर ना होने की वजह से बॉडी वेट कम हो जाता है, उनके मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ टायर्डनेस, उनके अंदर थकावट ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो दिस डिसीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने ग्लूकोज की या डायबिटीज़ की डिसीज़ को कंट्रोल करना है तो वो किस तरह से होगी, बाय एडमिनिस्ट्रिंग, बाय इंजेक्टिंग इंसुलिन इनटू द पर्सन बॉडी, क्योंकि पर्सन का अपना पेनक्रियास प्रॉपरली काम नहीं कर रहा कि वो इंसुलिन को रिलीज कर सके। सो अब आर्टिफिशियली मेड जो इंसुलिन होगी दैट विल बी इंजेक्टेड इनटू द पर्सन बॉडी, वो इंसुलिन फिर जाकर लिवर को ऑर्डर देगी टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, और इस तरह से पर्सन के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले ज़माने में जो इंसुलिन थी दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, पहले ज़माने में वो इंसुलिन जानवरों से हासिल की जाती थी ताकि इंसानों के अंदर इंजेक्ट करके उनके अंदर से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं इंसुलिन ये प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की है बहुत ज़्यादा आम हो गई है, तो इस सूरत हाल में जो ये प्रॉब्लम को किस तरह से कोप अप किया जा रहा है, इट इज़ बाय द इंसुलिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के ज़रिए जो ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और विद इन वेरी लेस टाइम ये जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब पर्सन की बॉडी में देखें तो देर इज़ अ स्पेशल टेस्ट, अब ये देखना है कि पेनक्रियास प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, क्या उसके अंदर ब्लड के ग्लूकोज की लेवल जो है पर्सन के अंदर नॉर्मल है या नहीं है। तो चेक ऑल दीज थिंग्स, अगर पर्सन के अंदर वो सिम्टम जाहिर हो रहे हैं देन अ टेस्ट इज़ कंडक्टेड, जिसके ज़रिए ये पता चलाया जा सके कि पर्सन के अंदर प्रॉब्लम किधर है, इंसुलिन के अंदर प्रॉब्लम है या इंसुलिन नॉर्मल लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है। सो इन दिस टेस्ट जिसे हम लोग ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग BGC टेस्ट भी कहते हैं, बी मीन्स ब्लड, जी मीन्स ग्लूकोज एंड सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने का टेस्ट किया जाता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कितनी है। सो द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। ये टेस्ट जो है इसका मेन काम क्या है, इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़ की बीमारी जो है, शुगर की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए BGC टेस्ट किया जाता है पर्सन के ब्लड के ऊपर। ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन अ फास्टिंग बेसिस, या तो उसके अंदर
पर्सन फास्टिंग में हो, यानी कि 8 से 10 घंटे हो चुके हों उसको खाना खाए हुए और वो फास्ट में हो 8 से 10 घंटे, या फिर रैंडमली एंड आफ्टर अ मील उसके अंदर ये BGC टेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। द रिज़ल्ट ऑफ सम BG टेस्ट आर गिवन बिलो। सो BGC टेस्ट के जो हैं कुछ रिजल्ट्स हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें बताते हैं कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए ग्लूकोज की इन द फास्टिंग सिचुएशन एंड इन द एट एनी टाइम रैंडमली एट एनी टाइम। सो अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्लूकोज की, तो आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्ट, अगर फास्टिंग की कंडीशन में है पर्सन, तो अगर उसका BGC टेस्ट किया जाए और BGC की वैल्यू, ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यू 70 से 99 पे आए पर 100 ml, तो इसका मतलब क्या है कि उसका डायग्नोसिस क्या आई है कि उसके अंदर ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल है 70 to 99। लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन आए 100 से 125 mg/100 liter पर 100 ml, तो इस वक्त इसकी यहाँ पे डायग्नोसिस क्या होगी कि इट इज़ प्री डायबिटिक, यानी पर्सन इज़ ऑन द बॉर्डर। अगर मजीद केयर ना की गई तो पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम द डिसीज़ ऑफ डायबिटीज़। और इसी तरह से अगर इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर देन 126 mg/100 ml ड्यूरिंग द ये फास्टिंग सिचुएशन की बता रही हूँ, तो इसका मतलब है द पर्सन इज़ डायबिटिक। पर्सन को अगर ऑलरेडी 8 से 10 घंटे हो गए हैं खाना खाए हुए और उसके ऊपर ये BGC टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, अगर तो उसकी ब्लड की BGC टेस्ट की रिजल्ट आते हैं 70 से 99 के बीच में, इसका मतलब है कि ही इज़ नॉर्मल। अगर 100 से 125 के बीच में आते हैं इट मीन्स ही इज़ प्री डायबिटिक, एंड अगर 126 से ऊपर आ जाए तो इट मीन्स दैट ही इज़ डायबिटिक। इसी तरह से एक और BGC टेस्ट किया जाता है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया है फास्टिंग सिचुएशन है, अगर फास्ट किया हुआ है 8 से 10 घंटे हो चुके हैं खाना खाए हुए। दूसरी तरफ अगर 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक, फिर उसको 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक दिया जाता है और उसके 2 घंटे के बाद उसके ऊपर BGC टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उस सूरत हाल में अगर तो टेस्ट लेस देन 140 mg/100 ml आए, 140 से कम आए, तो इट मींस कि उसकी डायग्नोसिस क्या है कि ही इज़ नॉर्मल, उसके अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 140 से 200 mg/100 ml आती है BGC टेस्ट के बाद, तो इसका मतलब है द पर्सन इज़ प्री डायबिटिक। और अगर उसकी वैल्यू 200 से ज़्यादा आ गई, 200 mg/ml से 100 ml से ज़्यादा आ गई, तो इट मीन्स द पर्सन इज़ डायबिटिक, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसके अंदर इंसुलिन का लेवल प्रॉपरली नहीं बन रहा। सो एट दैट पॉइंट जो इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा, पैनक्रियास से बनने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया, और उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, इस बारे में स्टडी किया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।